अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स एम आर टेक जानी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फाइनली आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और काफ़ी ज़्यादा हद तक आज मैं खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे यूट्यूब की तरफ से जो है, गूगल एडसन की तरफ से जो है, गूगल पिन रिसीव हो चुकी है। पहले मंथ मैंने अप्लाई किया था तो मुझे गूगल एडसन पिन जो नहीं मिली थी, लेकिन मैंने खुद से मसन के जो है उसको सेटअप को कैसे क्लियर किया और मैंने खुद से पिन कैसे दोबारा जो है रीसेंड की और किस तरह से रीसेंड की, तो दोबारा मुझे पिन मिल गई। तो इसी वीडियो में आज इंशाल्लाह मैं तमाम डिस्कस आपके साथ शुरू करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी पिन दिखाना चाहूंगा। या आप देख सकते हैं कि मुझे गूगल एडसन पिन मिल चुकी है, और गूगल एडसन पिन मिल चुकी है। अब जो है इसको कैसे अटैच करना है, इसको कैसे वेरीफाई करना है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ चंद बातें कर लेता हूं कि अगर आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस होती है, यानी कि आपके गूगल एडसन अकाउंट पिन नहीं मिलती, तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप पहले मंथ अप्लाई करते हैं, जब आपके पास 30 दिन के बाद यानी कि 4 वीक्स के बाद आपके पास रीसेंड का ऑप्शन आता है, तो आपने रीसेंड बिल्कुल भी नहीं करना। आपने करना यह है कि आपने सीधा अपने डाक खाने के पास चले जाना है और उसको कहना है कि आप अपने डाक खाने की तमाम डिटेल्स मुझे दे दें और मैंने जो है कुछ पार्सल वगैरह करवाना है, कुछ पार्सल वगैरह लेकर मंगवाना है, तो आपके जो है इस डाक खाने के थ्रू मंगवाना है। बराए मेहरबानी अपना पोस्टल कोड, एड्रेस और सही तरह से जो पता ठिकाना है वो दे दीजिए, अपना ही दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं आती, आपका एड्रेस का मसला है, आपके घर का मसला है, आपके जो भी एड्रेस जो आप दिया है उसका मसला है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आप अपना ही एड्रेस दे दीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे रابطہ कर लूँगा। अब जब आप उसको अपना नाम लिखवाएंगे, ठीक है, उसके बाद उसका जो एड्रेस दे देंगे, ठीक है, आपने आके पोस्टल कोड अच्छे से नोट कर लेना है, पोस्टल कोड को उसको दे देना है, अपने गूगल एडसन अकाउंट में दोबारा एड्रेस चेंज करना है, फिर उसके बाद आपने रिसेंड करना है। अब ये बातें हो गई हैं मुकम्मल। अगर आप ऐसा करेंगे तो 100% पिन आपके पास मिल जाएगी। नंबर टू जो प्रॉब्लम फेस हुई है मुझे, वो ये हुई है कि डॉके के पास जो है डाक खाने में पिन ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन डाकिया जो है वो पिन नहीं देता, वो थोड़ी सी जो है ना आलकस करता है और उसको इस चीज़ का इलम नहीं कि अगला बंदा कितना परेशान है इस चीज़ को लेकर, तो उसको इस चीज़ का इलम नहीं होता। नंबर थ्री पर अगर आप ये ऑप्शन भी करते हैं, ये तमाम ऑप्शन करने के बाद आपके आपको परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 दफ़ा अप्लाई कर देते हैं तो YouTube आपको YouTube की टीम से बात करके आप शिनाख्ती कार्ड पर वेरीफाई करवा लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर आपको अर्निंग का कोई मसला है तो वो आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में सेफ ही हो रही है, ना तो वो काटेंगे, ना उससे कोई मसल के उठाएँगे, जो अर्निंग आपकी बनी है वो अर्निंग आपके अकाउंट में ही रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, अब कोड को कैसे वेरीफाई करना है वो जानते हैं। चलिए दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। सिंपल सा काम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने न्यू टैब ओपन करनी है, पिछले वाली को काट देना है। अब आपने सिंपल जो है अपना गूगल एडसन अकाउंट ओपन कर लेना है। अब आपने यहाँ पर क्लिक करके, मैंने पहले ऑलरेडी सेव किया है, आप यहाँ से अपना गूगल एडसन अकाउंट ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपरली तरफ जो है ये लिखा हुआ है रेड कलर का, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई नहीं हुआ। तो सिंपल सा तरीका कार है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपने वेरीफाई पर क्लिक करना है। बस वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने तमाम वो कोड्स दे देने हैं, उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए दोस्तों इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।